हाई एवरी वन वेलकम टू अभिम्यू आई ए एस माई नेम इज़ रोहित गर्चा अभिमन्यू आई ए एस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यू पी एस सी एंड पी सी एस एग्जामिनेशन हैज डिलीवर्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन एंड दिस इज टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की सिर्फ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सीधा टू द पॉइंट बात पता लगे और इन केस अ क्वेश्चन कम्स इन द प्रीलिम्स यू विल बी एबल टू डू इट आज टू द पॉइंट के अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज डी यात्रा एयरपोर्ट के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो है आपकी जो सीमलेस मूवमेंट है वो होने वाली है कहाँ लॉन्च हुई है किसने लॉन्च करी है वो हम देखने वाले हैं एंड इन केस यू विश टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर प्री एज वेल एज मेन्स होलिस्टिकल मैनर के अंदर ताकि आप मेन्स के अंदर भी उसका भरपूर फायदा उठा सकें सो देर इज दिस कोर्स रनिंग जो कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में एंड वी हैव अ सेवन डे फ्री ट्रायल एज वेल फॉर दैट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन टेक द ट्रायल एंड सी द क्वालिटी ऑफ द कोर्स एंड उसके बाद में यू कैन कॉग्नेटिवली चूज वॉट टू डू आफ्टर दैट मूविंग ऑन डीजी यात्रा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि क्या चीज है ये द डेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अब ये किसने किया है दिस इज हुए आपके हु को आंसर कर रहे इट डेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड रन बाय आर नॉट इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है हटा के वो नहीं पूछेंगे बट ये है बीटा वर्जन होता है जैसे मान लो आप और मैं मिलके कोई ऐप डेवलप करते हैं एंड ऑपर मैं मिलके ही उसको जो है टेस्ट भी कर रहे हैं तो आपकी और मेरी टेस्टिंग को कहा जाएगा एल्फा टेस्टिंग वो होगा एल्फा वर्जन लेकिन अगर आप और मैं लेके जाते हैं वो ऐप को और किसी तीसरे पर्सन को दिखाते हैं कि यार हमने ये डेवलप किया प्लीज इसको चेक करके बताना इसमें क्या चल रहा है नॉ दैट इज कॉल्ड बेटा टेस्टिंग तो ये जो है इट इज़ बेटा वर्जन ऑफ दैट एज ऑफ नाउ पर इतना कोई डीप में जाएगा नहीं आपसे ये जस्ट बुरे वक्त के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आ, क्या बात हो रही है यहां पे सो so, डीजी यात्रा हमने ये याद रखना है कि ये इनके थ्रू आया है लेटेस्ट सी कि ये क्या चीज है डीजी यात्रा इज अ बायोमेट्रिक एनेबल्ड सीमलेस ट्रेवल है इसको कन्वीनियंटली हम बेस्ट भी कहते बेस्ड ऑन ये है जी इंपॉर्टेंट यहां पे फेशियल रिकोगशन टेक्नोलॉजी अगर किसी को नहीं पता ये क्या है तो जब आ, इन दिनों हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें हम ऐसे स्मार्टफोन आगे रखते हैं एंड इट रिकोगनाइज आयर फेस एंड अनलॉक्स तो अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पाम के अंदर है तो वाई नॉट यूज़ इट समवेयर जहाँ पे इसकी ज़रूरत है जहाँ पे पैसेंजर्स की मूवमेंट ज़्यादा है सिक्योरिटी कंसर्नस हैं और ये सारी चीज़ों को जो टिक मार्क कर रहा है दैट इज़ एयरपोर्ट्स एंड उसमें भी डेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे फुटफॉल भी ज्यादा है सिक्योरिटी कंसर्न्स भी ज़्यादा है तो वहां के हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट निकलता है कि डीजी यात्रा एक इनिशियटिव uh, है एंड अगेन हाईली हाई प्रोबेबिलिटी कि इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इधर उधर घुसा के पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर क्या एम है इट एम्स टू प्रोवाइड अ पेपरलेस एंड सीमलेस ट्रेवल आप समझ गए होंगे विद दिस टेक्नोलॉजी पैसेंजर एंट्री वुड बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन फेशियल रिकोगशन सिस्टम एट ऑल चेक पॉइंट्स इंक्लूडिंग एंट्री इंटू द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एरियाज एंड एयरक्राफ्ट बोर्डिंग तो जो आपका जैसे अगर आपने ट्रैवल किया है तो सी आई एस एफ पर्सनल आपको वहाँ पर खड़े हुए मिलते हैं जो कि आपकी आई डीज और आपके आई डी से फेस को ऐसे यू नो दे आर मैचिंग एंड पीछे अलॉन्ग लाइन फॉर्म्स और एक पी कार के अंदर दैट कैन बी लाइक हजार्ड सेफ्टी हजार्ड भी हो सकता है और सेफ्टी uh, uh, के अदरवाइज भी जो लोगों की फ्लाइट्स है ना उसमें जो है वो डिले हो सकता है क्योंकि डैडी uh, का जो ट्रैफिक uh, सिचुएशन है दैट इज ऑल्सो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो चीज है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इट इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डीजी यात्रा फाउंडेशन विल बी दस्टोडियन ऑफ द पैसेंजर आईडी वैलिडेशन प्रोसेस यानी कि इसमें किसकी बात हो रही है आपके डेटा के ओनरशिप की बात हो रही है यहां पे जो बात हो रही है दैट इज डाटा ओनरशिप की बात हो रही है कौन होगा डीजी डीजी यात्रा फाउंडेशन किसके अंडर होगी अगेन जिसका हमने बात किया डायल डेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बहुत शॉर्ट में देखते हैं इसको कि लोग कैसे इसको कर सकते हैं विल लीड टू फर्स्ट डाउनलोड द डिजी यात्रा ऐप ठीक है जी ऑन द ऐप कैसे रजिस्टर करना है आधार कार्ड क्रेडेंशियल डलेंगे इसके अंदर और फेशियल रिकोगशन की बात हो रही है तो आपको सेल्फी के साथ में ताकि आपका फेस जो है वो रिकोगशन के उसमें सॉफ्टवेयर में चला जाए अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसी आधार आपका लिंक होगा तो आधार से जो, जो जो चीज़ें भी लिंक है वो ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी कि वैक्सीनेटेड है या नहीं और ट्रैवल हिस्ट्री एंड ऑल जो भी जिस इसके अंदर आने वाला है जहां जहाँ पे भी आधार आपका होगा जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी इट कैन बी इंटरलिंक यहाँ पे और अगेन यहाँ पे क्यू आर कोड के साथ में आपको क्यू आर कोड या बार कोड के साथ में यू हैव टू लाइक स्कैन इट एंड देन यू हैव टू लुक इन कैमरा अगेन नो अन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बट इट गिव्स अ रियलिस्टिक टच टू वॉट वी आर स्टेडिंग फॉर एंट्री इन टू द एयरपोर्ट नीड्स टू स्कैन चलो जी आगे चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ डीजी यात्रा अगेन ये थोड़ा uh, मतलब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कम पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे होगा क्या इन केस यू रीच अप टू नेक्स्ट लेवल्स है ना इंटरव्यू uh, या वहां पे कहीं पे ऐसी कुछ बात होती है तो दीज आर द बेसिक पॉइंट जो इसके साथ लगते हुए हैं फर्स्ट फास्टर बनाएगा इस प्रोसेस को सीमलेस बनाएगा एंड जो फेस है दैट विल एक्ट एज देयर डॉक्यूमेंट्स क्योंकि अगेन जो फेस आपका जो uh, हो रहा है एक तो आप वही हो तो आधार कार्ड के साथ भी आपका लिंकड है तो योर फेस विल एक्ट एज योर आई प्रूफ एनहेंस्ड सिक्योरिटी यह आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर एनहेंस सिक्योरिटी की क्या है वेलीडेशन हो जाएगी और जो एयरलाइंस के पास डेटा है और जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है वो सिंक्रनाइज बेटर हो पाएगा क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकता है डेट इज डीजी यात्रा सीन रिसेंटली इन न्यूज इज अवेंचर ऑफ विच ऑफ द हालांकि यू नो आंसर राइट नाउ अगेन दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन केस आपको नहीं पता है कि यार ये क्या चीज़ है आउट ऑफ द ब्लू आ गया बट क्योंकि अभी हमने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी इसकी वैलिडिटी कितनी ज़्यादा है मोर ओवर ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो इस वजह से ये एक टेंजिबल जो है आपका टॉपिक बन जाता है जस्ट आप कन्फ्यूजन देखिए इसके बीच में कितना होगा ये दोनों में तो पक्का कन्फ्यूजन होगी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था ये डेली इंटरनेशनल पर हमें पता है कि डी यात्रा के लिए हमें कुछ डायल करना है तो उससे याद रखना आप इंडियन रेलवे नॉर्दन जोन इन साउथ वेस्टर्न जोन अब देखो इसको नहीं पता होगा वो इसमें कंफ्यूज होगा बट आप लोगों ने टू द पॉइंट में इसको देख लिया है तो दिस इज इजी वन फॉर यू बहुत छोटा टॉपिक था आज का इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेंगे एंड दिस इज अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा थैंक्स फॉर वॉचिंग